उसका जो एक्सपीरियंस था मरुधर एक्सप्रेस का, जो म्यूजिक सिटिंग बोलिए, जो कहानी मैंने सुना फर्स्ट टाइम, बहुत ही अच्छा था। मतलब विशाल एक बहुत ही अच्छा डायरेक्टर तो है ही, लेकिन बहुत अच्छा लिरिसिस्ट भी है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, म्यूजिक डायरेक्टर अगर डायरेक्टर को मिल जाता है लिरिसिस्ट तो कहानी उनका है, तो वो बहुत ही अच्छा गाना लिखा है इसमें। और विशाल को छोड़ के मनोज मुंतशिर जी और रश्मि विराग जी ने गाना लिखा है। और इसमें विशाल को जो चाहिए था वो दादा आपका टच चाहिए, उन्होंने कहा था कि मेलोडी जो है तो यमन रागे के ऊपर बनाया, तुम चले गए। लकली मतलब विशाल इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड एंड ही इज डिसाइडेड टू दिस कंप्लीट मूवी इन द कानपुर। पहले वो आए तो उन्होंने बोला कि कानपुर एंड यूपी में शायद शूट करना क्या इजी होगा कि नहीं, बट आपको बताएं कि यूपी एंड कानपुर इज वेरी सपोर्टिंग। और ये मूवी में इन लोगों ने भी देखा बहुत इजीली एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट एंड ऑल पब्लिक सपोर्ट, ऐसा नहीं जैसे मतलब लोगों का परसेप्शन था कि वहाँ शूट करना थोड़ा टफ होगा। और इस समय तो बहुत सारी मूवीज़ का शूट हम लोगों के यहाँ हो रहा है, तो हमारा एंड से जो एज ए प्रोड्यूसर हम जो मैनेज कर सकते थे वी डन ऑल। एंड मैंने देखा कि इतना टीम वर्क, इवन आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट आई एम टेलिंग यू कि इट इज गोइंग इन डिटेल। फिल्म का म्यूजिक ऑफकोर्स वी ऑल नो जीत गांगुली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव, बहुत अंडर रेटेड म्यूजिक कंपोजर है एंड ही डिजर्व्स मच मोर, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा। और इस फिल्म की म्यूजिक की बात करूँ तो सारे गाने बहुत अच्छे हैं, और मेरा फेवरेट ऑफकोर्स बायस्ड हूँ मैं, मेरा गाना है तुम चले गए, आकांक्षा ने भी गाया, बहुत अच्छा गाना है, बहुत सैड डिप्रेसिंग, वेरी वेल रिटन बाय रश्मि बाय विराग बाय, वेरी वेल कम्पोज बाय जीत दा। दूसरा चाशनी सी है, मिर्जावे है जो सोनू भैया ने गाया हुआ, आशीष ने भी गाया हुआ। ऑल इन ऑल एल्बम बहुत बहुत स्ट्रॉन्गली म्यूजिकल एल्बम है इन अ वेरी म्यूजिकल सेंस। As he said कि जीदा के साथ ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट, और उनके साथ काम कर उनकी एक बहुत ही खास बात है, उनके साथ काम करके डिस्पाइट ही इज़ सुपर एट इन टर्म्स ऑफ कंपोजिंग एंड जिस तरह से वो हेल्प करते हैं गाने में, पर उनके साथ सबसे अच्छी बात यह कि जब आप उनके लिए गाना गाते हो तो ऐसा कभी भी फील होता नहीं है कि आप द जीदा के लिए गाना गा रहे हो। ही मेक्स यू सो कम्फर्टेबल, ही मेक्स यू सो ईजी, He himself gives you so much of confidence in yourself कि आपको पता होता है कि आप गाना निभा लोगे। मेरा जीता के साथ ही आई थिंक दूसरा या तीसरा गाना है, और उनकी कॉम्पोजिशन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि उनका जो म्यूज़िक है उसमें बहुत ज़्यादा सोल होता है, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग एक्चुअली। आई चाशनी सी बात तेरी, बर्फी के जैसा जिया, आँखों में थोड़ा नमक, अंगूरी तेरा नशा, प्यास है सांसों में शरबत सी तेरी अदा, देखूं तुझे तो भूलू जहां, हाय हाय अमृत सा मेरा पिया, हो ये तूने क्या कर दिया, हो ये तूने क्या कर दिया। मेरा नाम प्रिया सिंह है, और हाँ इस गाने के बारे में ये काफ़ी स्पेशल सॉन्ग है इस फिल्म का, बिकॉज ये सर ने लिखा हुआ है, इनकी पहली लिरिक्स है ये गाने की, और इस गाने का नाम है चाशनी सी। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट और बहुत लकी हूँ कि मुझे सर ने चांस दिया इस गाने में परफॉर्म करने का और इस ब्यूटीफुल फिल्म का पार्ट बनाने का, और ऑफ कोर्स उससे भी बड़ी बात जीत गांगुली सर ने कंपोज किया हुआ है, तो आई एम रियली वेरी लकी दैट आई एम इन दिस सॉन्ग एंड इन द। तो उसमें से दो तीन चेहरे आए, उसमें से ये अभी जब इनका मैं इसलिए मैं वहाँ जानबूझ के नहीं बोला इतना, क्योंकि अभी 6-7 दिन में आप देखेंगे उस फिल्म में लोग। और ये आई थिंक अगर इस पिक्चर में तारा ने बहुत सरप्राइज किया है तो उस फिल्म में आपके लिए प्रिया बहुत सरप्राइज आपको करेंगी। और एक चीज़ मैं बहुत कहता हूँ, विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बहुत एक जिम्मेदार निर्देशक होने के नाते से, कि नई लड़कियों को आना फिल्मों में और उनको यहाँ तक पहुँचना बिना बैकग्राउंड के, जैसे मैं आया हूँ बिना बैकग्राउंड के एज ए डायरेक्टर, वो आज के ज़माने में बहुत मुश्किल होता है। तो तारा जैसे मेहनती ईमानदार लोग और ये प्रिया जैसे, वी आर रियली लकी। पापा है लखनऊ के, डॉक्टर हैं, आई सर्जन हैं, मेरी माँ है वो कानपुर की हैं, तो वो एक हमें जो घर पे ही दिखता था, हालांकि उन लोगों में बड़ा आश्चर्य, मुझे कभी झगड़ा नहीं होता बट बातें दोनों हमेशा उल्टी करते हैं आज तक, तो मुझे लगता था बड़ा कमाल है। हाँ मेरे मामा मामा से उनका बहुत झगड़ा होता था, तो वो लोग आप तम्बाकू खाए बिना बात नहीं करेंगे कानपुर वाले, अपना पान की दुकान में खड़ो के सारी राजनीति हो जाती है,
सचिन को क्रिकेट कैसा खेलना चाहिए वो भी पान की दुकान में आ जाता है, मोदी जी को देश के लिए क्या करना चाहिए वो भी हो जाता है। तो जो एक बड़बोलापन है वहाँ का, बहुत बोलने की आदत, तो वो और उसके बाद भी लोग बड़े ही अंदर से बड़े ही डरपोक टाइप के होते हैं। तो मुझे उस तरह की जो एक बड़ी बारीकियाँ थी छोटे शहर की, मुझे वो दिखाने का बहुत मन था। तो या मेरा बहुत कुछ मैंने ड्रॉ किया, मतलब इतनी सारी चीज़ें इस फिल्म में मेरी लाइफ से और मेरे आसपास के लोगों से, अगर बताऊँगा तो मतलब सुबह हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी मेरे मतलब एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि विशाल सर खुद कानपुर के हैं। मैं इस फिल्म के पहले कभी कानपुर, लखनऊ, यूपी में कहीं पर भी नहीं गई थी। तो हमने, मैं और कुणाल ने दोनों ही विशाल सर के साथ बहुत टाइम स्पेंड की और वो बहुत ही क्लियर थे कि वो इन दो कैरेक्टर्स के पीछे जो भी उनके विचार के पीछे, उनके मतलब बोलने के तरीके में, उनके सोच विचार में इंटेंशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो बहुत ही क्लियर थे। तो वो सब जब इन्होंने बताया, और एक और ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि वो तैयार थे, हमें शूट के पहले वहाँ ले जाने के लिए तैयार थे। तो हम लोग एक्चुअली शूट के पहले कानपुर गए थे और हम लैंड होते ही हम लोग मिठास गए जो मिठास गए जो कानपुर में बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, जहाँ पे बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग खाना मिलता है वहाँ पे। तो बैठ के हमने फुल ऑन कानपुरिया खाना खा के फिर दो तीन दिन वहाँ रेकी वेकी के टाइम पे मैं विशाल सर के साथ ही थी। तो वहाँ के जो मतलब वहाँ का जो बोलने का तरीका, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की लड़कियाँ कैसे हैं, उनमें एटीट्यूड कैसा है, वो सब देख के फिर आई थिंक बहुत ही फ़र्क पड़ा। तो हम लोग बहुत लकी थे कि सबके पास टाइम था, विशाल सर ने हमें इतना मतलब समय दे के फिर हम लोग शूट करने गए। तो हम लोग बहुत लकी थे क्योंकि कभी कभी आपके पास समय नहीं होता है प्रेपरेशन करने के लिए, लेकिन